ભારતીય સેના અધ્યક્ષ મનોજ મુકુંદ નરવણે ટીવી 9 સાથે ખાસ વાતચીત કરી છે. સૈન્ય વડાએ 370 કલમ હટાવ્યા બાદ કાશ્મીરમાં પથ્થરમારો અને આતંકવાદી હુમલા ઘટ્યા હોવાનો દાવો કર્યો છે. સૈન્ય વડાએ કહ્યું છે કે પાકિસ્તાન આતંકવાદીઓની ઘૂસણખોરી માટે યુદ્ધ વિરામનું ઉલ્લંઘન કરી રાખે છે. જોકે ભારતીય સેના આતંકવાદીઓ અને પાકિસ્તાનને વળતો ઘા કરવામાં હંમેશા સજ્જ જ હોય છે. कहते हैं कि नई जिम्मेदारियां नई चुनौतियां लेकर भी आती हैं और इन्हीं सब चीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए नए थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे हैं. सर, खासतौर पर जब मैं बात करता हूं नई चुनौतियों की या प्रायोरिटीज की, आपके लिए समय क्या आपके लिए आपको नजर आता है कि चुनौतियां हैं या प्रायोरिटीज हैं? सबसे बड़ा आपका शुक्रिया, आपको आपसे बातचीत करने का मौका मिला. सर, आप बहुत बहुत बधाई भी हमारे और नए वर्ष की भी शुभकामनाएं. आपने अभी पूछा मेरे से कि मेरे प्रायोरिटीज क्या होंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभालने के बाद, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी चीफ के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होती है कि आर्मी हमेशा ऑपरेशनली रेडी हो और कम्बैट वर्दी हो, तो इसी के ऊपर हम जोर डालेंगे. सर, दूसरी इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि आपने ऑपरेशनल की बात की, कश्मीर को लेकर फोकस रहा है 370 हटने के बाद करीबन तीन चार महीने हो चुके हैं. आपको लगता है कि अभी भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार उसी तरीके के उल्लंघन या फिर उसी तरीके की हरकतें जारी हैं? अभी तकरीबन 5 महीने हो गए हैं 370 को हटाने के बाद, और वैली में स्थिति काफी हद तक ठीक हो गई है, और जो किस्से थे वायलेंस के, चाहे वो स्टोन पेल्टिंग के थे या टेररिस्ट एक्शन के थे, वो सारे कम हो गए हैं. लेकिन सरहद के उस पर अभी भी टेररिस्ट कैंप हैं, अभी भी वो टेररिस्ट को हमारे यहाँ भेजने की कोशिश कर रहा है, और उस सिलसिले में ये सीज फायर वायलेशन बढ़े हैं. जब कभी वो कोशिश करते हैं कि वो टेररिस्ट को हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करें, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से दबाव हमने इंडियन आर्मी ने या फिर हमारे हमारे अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बनाया है पाकिस्तान के खिलाफ, वो दबाव हम जारी रखेंगे? टेररिज्म के खतरे से निपटने के लिए हमारी रणनीति है, हमारे प्लान हैं, हमारा काउंटर टेररिस्ट और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है. ये ग्रिड जो है, जैसे नाम ही कहता है, जो भी खतरे हैं, थ्रेट है, जैसे जैसे इनपुट मिलते हैं इसमें हम बदलाव करते रहते हैं, जिससे कि कोई भी उनकी कोशिश जो है वो नाकामयाब हो. सर, आपने आज बात किया, जब सुबह हमसे रूबरू हुए तो आपने मॉडर्नाइजेशन को बहुत प्रायोरिटी पे रखा, लीन आर्मी, मीन आर्मी या फिर मॉडर्नाइजेशन को लेकर आपके दिमाग में या फिर आपकी आपने क्या ड्राफ्ट आपको लगता है कि तैयार किया? देखो, मॉडर्नाइजेशन एक कंटिन्यूस कार्रवाई है. हम जब मॉडर्नाइजेशन करते हैं हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान बनाते हैं. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान बनाते वक्त हम ये भी सोचते हैं कि आने वाले समय में क्या खतरे होंगे और उन खतरों को निपटने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, और उसको मद्देनजर रखते हुए ही हम मॉडर्नाइजेशन करते हैं. सर, चीन को लेकर क्या आपको लगता है कि हम आगे, क्योंकि आपने कहा कि हम एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर हम लगातार चल रहे हैं, वुहान समिट के बाद से लगातार एक बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं, क्या आपको लगता है कि ये बॉर्डर जो चीज़ें हैं वो हम जल्दी रिजॉल्व कर पाएंगे चीन के साथ? अभी जो LAC है उसके ऊपर काफ़ी शांति का वातावरण है. वुहान समिट के बाद और चेन्नई में जो बातचीत हुई उसके बाद भी दोनों साइड में, दोनों तरफ के फौजियों को बताया गया है कि जो LAC है उस पर पीस रखें, अमन रखें, और अगर छोटी मोटी कोई बात होती है तो वो लोकल लेवल पर ही उसको सुलझाया जाए. और मेरी पूरी उम्मीद है कि जब मोटे तौर पर सुख शांति होगी LAC के ऊपर, उससे जो टॉक्स है उसमें फायदा ही होगा, टॉक्स शुरू करने में और कुछ नतीजा पाने में. आखिरी सवाल मेरा आपसे था, क्योंकि लगातार हम पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी लगातार पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में उसमें देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो वहां पे अनस्टेबिलिटी होगी तो ज्यादा टेररिस्ट कैंप्स की, क्योंकि आपने खुद कहा कि वहां पर मौजूद हैं, बढ़ेंगे और ज्यादा इन्फिल्ट्रेटेड पुश करेंगे? हम तो हमेशा चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश के साथ जो है हमारे संबंध अच्छे हों. अगर हमारे पड़ोसी देश में के साथ संबंध अच्छे होंगे,
अगर उन देश में स्टेबिलिटी होगा, पीस होगा, तो वो हमारे लिए भी अच्छा ही होगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर आपको बधाई हो। थैंक यू। कैमरा पर्सन मस्तान के साथ सुमित चौधरी, टीवी 9 भारतवर्ष।